जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ शाहीन बाग में एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की होती है और वो इसे मॉब लिंचिंग का नाम देता है। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह की धक्का मुक्की उस पत्रकार के साथ शाहीन बाग में हुई उसकी मैं कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं और खुद शाहीन बाग मूवमेंट ने इसकी आलोचना की है, इस पर खेद जताया है, मगर बात वहां पर यह नहीं है। दोस्तों, आज मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सिर्फ ये पत्रकार नहीं जिसके साथ धक्का मुक्की हुई है, कई अन्य पत्रकार जो हैं, जो कि सुपारी मीडिया का हिस्सा हैं या गोदी मीडिया का हिस्सा हैं, ये पिछले एक महीने से शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए एक आंदोलन लगातार चला रहे हैं अपने प्राइम टाइम में। वैसे तो शाहीन बाग का किसी तरह से ये लोग जिक्र नहीं करते हैं, मगर जब भी जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भाषा और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल समान लहजे में बात करते हैं। और फिर अचानक ये अवतरित हो जाते हैं वहां पर जिस जगह को तुम लगातार बदनाम कर रहे होते हो। तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से पहुंच जाते हैं, पहली बात तो तुम लगातार बदनाम कर रहे हो उन्हें, उनके बारे में अनाप-शनाप बोल रहे हो, फिर जब तुम वहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरते हो तो मेरा सवाल यहां पर यह है, अब जाकर वहां उतरने का क्या मकसद है? और केंद्र सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चाहती है कि शाहीन बाग आंदोलन बंद हो जाए और वो लोग सड़क के उस हिस्से को खाली कर दें क्योंकि ट्रैफिक रुका हुआ है। हालांकि आज तक दिल्ली पुलिस हो या फिर वहां पर केंद्र सरकार हो, उन्होंने ये नहीं बताया कि बेशक शाहीन बाग का एक आंदोलन सड़क के एक हिस्से में हो रहा है, मगर वो चाहें तो वहां से गाड़ियां बहुत आसानी से निकल सकती हैं। ऐसे कई जरिए हैं जहां से वो निकल सकता है, मगर वो मुद्दा अलग है। दोस्तों, आज मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर अवतरित होने का पत्रकारों का क्या मतलब है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि ये वो पत्रकार हैं जो सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, पिछले 3-4 सालों में इन्होंने अपने प्राइम टाइम में सिवाय समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने के और कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी पत्रकारिता से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता की है और खासकर शाहीन बाग को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इन पत्रकारों और खासकर इन ट्रोल्स के लहजे में कोई फर्क नहीं है। कपिल मिश्रा, जिसे मैं इंटरनेट ट्रोल से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं, वो ये कहता है कि शाहीन बाग एक मिनी पाकिस्तान है, एक ऐसा आंदोलन, क्योंकि देखिए जामिया के बाद जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद शाहीन बाग की महिलाओं ने उसके कद को बढ़ाया, उसके रुतबे को बढ़ाया और वो अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी चीज थी। ये आंदोलन जो शाहीन बाग से चल रहा है वो न सिर्फ जामिया के लिए, दिल्ली के लिए, बल्कि मेरे हिसाब से देश के लिए एक मिसाल कायम हुआ है, क्योंकि शाहीन बाग जैसे ही आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। और हो क्या रहा है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग उसे मिनी पाकिस्तान तो बताते ही हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को जबकि दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं तब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है। जी हां, इस तरह से बदनाम किया जा रहा है और फिर ये पत्रकार अचानक ग्राउंड जीरो में अवतरित हो जाते हैं। आज ये सवाल उठना लाजमी है कि आप पिछले एक महीने तक वहां गए नहीं और फिर वहां पर तुम जाके अवतरित होते हो, तो जाहिर सी बात है नियत पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक अरसे से आपको याद होगा अपने शोज में मैं लगातार बोल रहा हूं कि एक साजिश रची जा रही है कि किसी तरह से शाहीन बाग में बाहरी लोगों का प्रवेश हो और उन बाहरी लोगों के प्रवेश के साथ आंदोलन को बदनाम किया जाए। अब ये पत्रकार महोदय जानते थे कि जब वो जाएंगे वहां बवाल होगा, मगर बावजूद इसके आप वहां गए। मगर आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं जिन लोगों ने धक्का मुक्की की है। देखिए, मैं श्रीनिवासन जैन जो कि पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए ये ऐसे लोग जो है ना वो पत्रकार बहुत सालों पहले थे एंड दे सीज्ड टू बी जर्नलिस्ट,
मगर अगर आपको इनके इनसे मुकाबला करना है ना, धक्का मुक्की मत कीजिए, आप उनसे संवाद कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि इनके पास ना विचार हैं, क्योंकि देखिए जब विचार गिरवी रख जाते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के दरवाजे पर, तो जाहिर सी बात है कैसे विचार हैं। मॉब लिंचिंग, इन्होंने ये तक कह दिया कि इनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य और पेश करना चाहूंगा दोस्तों। जब जयंत सिन्हा ने इस तरह से मॉब लिंचर्स को, जो कि सिर्फ आरोपी नहीं थे गुनाहगार थे, उनका स्वागत किया था ना, तब इनमें से किसी भी पत्रकार ने उनकी आलोचना नहीं की थी। या फिर एक और चीज पर गौर कीजिए, जब महेश शर्मा इस तरह से अखलाक के हत्यारों को की शवों को तिरंगा से लपेटकर उनका सम्मान करते हैं, तब इन्होंने अपनी आवाज को इतना बुलंद नहीं किया था, क्योंकि उस दौरान ये लोग लगातार हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रहे थे, मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो आंदोलन को तो तुम बदनाम कर ही रहे थे, इसके बाद मॉब लिंचिंग जैसा शब्द जिसका जिक्र तुम अपने प्राइम टाइम में नहीं करते थे, और जो लोग इस मुद्दे को उठाते थे तो आप उन पर ही चढ़ जाते थे, आज आप उसका इतने हल्के अंदाज में जिक्र कर रहे हैं। मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भीड़ ने तुम पर हमला किया तो उस हमले से तुम्हें बचाया किसने? क्या यह बात तुम्हें अपने चैनल के जरिए लोगों को नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि मुझे यह पता चला है कि वहां कुछ स्थानीय लोगों ने ही उस पत्रकार को उस भीड़ के हमले से बाहर बचाया था। क्या यह बात तुम्हें अपने चैनल पर नहीं कहनी चाहिए? और मुझे बहुत अजीबोगरीब बात लगती है दोस्तों, मैं पढ़ रहा था कुछ पत्रकारों को, कुछ तथाकथित पत्रकारों को, और इनका यह कहना था कि शाहीन बाग के आंदोलन में देखो बच्चों में कितना ज्यादा जहर भरा जा रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों कि बच्चों के मुंह से ऐसे नारे शोभा नहीं देते कि जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ऐसे आंदोलन बच्चों के मुंह को शोभा नहीं देते हैं। मगर मेरा सवाल कुछ और है। जब ये पत्रकार कहते हैं कि इस तरह के जहरीले आंदोलन या इस तरह के जहरीले बयान दिए जा रहे थे और बच्चों में जहर भरा जा रहा है और मोदी जी की बेइज्जती की जा रही है, तो इस नारे में तो कहीं भी मोदी जी का नाम तक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हर उड़ते तीर को तुम प्रधानमंत्री की दिशा में क्यों मोड़ देते हो? आखिर तुम क्यों चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एक परमानेंट पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में जिए, यानी कि हमेशा एक पीड़ित बने रहना? क्या तुमने कभी यह सवाल किया है? तुम जो प्राइम टाइम में रोज जहर बोते हो, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे जहर का तुम्हारे अपने बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तुम तो इतने बड़े झूठे हो कि तुमने यह तक कह दिया था कुछ दिनों पहले कि कासगंज में जो तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हुआ था, उस दौरान भी तुमने यह झूठ चलाया था कि वहां के मुसलमान जो है तिरंगा फहराने से रोक रहे थे, क्योंकि तुम्हें फरमान आया था पॉलिटिकल पार्टी से, तुम्हें वो एजेंडा चलाना था। क्या तुम पर कोई कार्रवाई हुई है उस झूठ के लिए? ये जो पत्रकार आज की तारीख में ये कह रहे हैं या शाहीन बाग पर उंगली उठा रहे हैं, ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जिन्होंने प्राइम टाइम में बैठकर ये जहर बोया है। और मुझे याद है इनमें से एक पत्रकार है जिन्होंने फातिमा की तौहीन भी की थी, उनके बारे में अपशब्द भी कहे थे और उसको लेकर बहुत जबरदस्त बवाल हुआ था। आज जब आप ये कहते हैं कि एक पत्रकार के साथ भीड़ ने बदतमीजी की है जिसके कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए, तब आपको यह सोचना होगा कि क्या वजह हो गई आजाद भारत के इतिहास में जब पत्रकार एक आंदोलन में सरकार के साथ खड़ा है और आंदोलनकारियों की बात वो जनता तक नहीं पहुंचा रहा है, उसे बदनाम कर रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक आंदोलन को इस कदर बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो क्रमबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत। क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, एक शख्स शर्जील नाम के, इसने एक बहुत ही वाहियात बयान दिया। अब ये शख्स आज की तारीख में शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ा भी नहीं हुआ है, मगर उसको लेकर इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। क्या ये शख्स शाहीन बाग आंदोलन का प्रवक्ता है? क्या ये वो शख्स उसका चेहरा है? क्या ये शख्स पिछले कुछ अरसे से है, ये जो वीडियो जिसका प्रसार किया जा रहा है जिसमें वो एक निहायत ही वाहियात बयान दे रहा है कि असम के हिस्से को हमें चोक कर देना चाहिए, ये बयान कब दिया गया है? और एक शख्स
जो ये बयान दे रहा है, क्या उससे उसे हम पूरे आंदोलन पर चस्पा कर सकते हैं? और इसलिए मेरे शाहीन बाग से भी अपील है कि अपने मंच को ऐसे लोगों के हवाले मत कीजिए जो इस तरह की नफरत, अपनी निजी सियासत के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पत्रकार रिफत जावेद का यह ट्वीट देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। रिफत उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ लोग आ गए हैं इस वक्त शाहीन बाग आंदोलन में जो अपनी निजी सियासत के चलते, निजी सियासत के लिए शाहीन बाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज से बचिए क्योंकि आपका रास्ता पहले ही कठिन है। अन्ना आंदोलन की तरह या निर्भया आंदोलन की तरह आपको मीडिया का समर्थन हासिल नहीं है। मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सरकार लगातार इसे कुचलने की कोशिश कर रही है, लिहाजा आपका रास्ता अग्निपथ है, कांटों भरा है, ये ना भूलें। मेरी सबसे अपील कि इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण रवैया अख्तियार करें। अगर आपके बीच वो तथाकथित गोदी मीडिया भी आता है तो कृपया अपना संयम ना खोएं आप। और मीडिया से मेरी अपील कि अंदर झांकिए, मॉब लिंचिंग जैसे शब्दों का इतना हल्का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि कटघरे में आप हैं। सुपारी मीडिया, नमस्कार।